Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. Honorable Deputy Chairman, sir, I am told that when you first speak in this August House, it is called as a maiden speech. And I am happy that I am dedicating this maiden speech to none other than Dr. Baba Sahib Ambedkar. On the one hand, I am happy that I am speaking on the subject of social justice. On the other hand, there is a pain in my heart that I have to talk about a particular incident which deserves to be condemned. Let me, at the beginning itself, while addressing this August House, also offer my salutations to all the leaders over here, especially the leader of opposition, all the group leaders, the leaders on the Treasury bench, and all the colleagues, because unless they tolerate me, I'm sure I cannot be speaking at length. Respected sir, I must at this time start my speech by condemning the incident at Una. Is ghatna ki jitni kade shabdon mein nirbhatsana ki jaye kam hai. मैं नया नया सदन में आया हूं तो हमारे घर के रिश्तेदार भी टीवी लगा के बैठते हैं देखते हैं कि मैं कब बोल रहा हूं कल हमारे बूढ़े चाचा जो मुंबई में रहते हैं वो भी देख रहे थे और कल का दृश्य तो ऐसा था कि उनको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है तो मैंने उनको कहा कि ऊना में जो घटना हुई उसके कारण पूरे सदन में बड़ा आक्रोश था लोग बड़े चिंतित थे और इसलिए वेल में आकर नारे दे रहे थे कि फलाना फलाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो उन्होंने कहा कि ऊना में क्या हुआ है तो मैंने बताया कि चाचा जी ऊना में जो हुआ है वो कानून हाथ में लेने की एक जरूरत की गई कानून को अपना काम नहीं करने दिया कुछ लोगों ने दंगा करने वाले लोगों ने कानून को हाथ में लिया तो चाचा जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा तो कल सदन में क्या हो रहा था लोग तो कानून को ही हाथ में ले रहे थे अध्यक्ष की नहीं चल रही थी ये तो कह रहे थे कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा मैं उनको समझा नहीं पाया मैं किसी पर एस्पर्शंस कास्ट नहीं करना चाहता मगर मैं उनको समझा नहीं चाह पाया कि कानून हाथ में लेना जहां कानून बनाने वाले सभागार में शायद चल सकता है देश की जनता इसको सहन नहीं करती और कानून की व्यवस्था को भी इसको मंजूर नहीं करती मान्यता नहीं देती अध्यक्ष जी आज इस घटना के बारे में बोलते समय मेरा मन विदीर्ण है क्योंकि ये जो घटना हुई है जैसे मैंने कहा कि कानून हाथ में लेने के कारण और हमारे समाज के उपेक्षित भाई बहनों में से कुछ युवाओं को प्रताड़ित किया गया बेरहमी से पीटा गया हमने टीवी पर दृश्य देखे और जिसका दिल दहलाया नहीं होगा मैं मानता हूं कि वो मनुष्य नहीं है कि इतनी कड़ाई से इतनी बेरहमी से उनको पीटा गया और इसलिए मैंने कहा कि मन विदीर्ण है चर्चा में सुन रहा था मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी गंभीरता पूर्वक कुछ पुराने उदाहरण भी दिए आदरणीय शरद यादव जी बोले आदरणीय अहमद पटेल जी ने कुछ बातें कही उन्होंने काफी सारे आंकड़े भी दिए मगर मेरे मन में आता है कि भाई साहब ये सवाल शायद आंकड़ों का नहीं है अंतकरण का है वेदना का है आंकड़े तो दिए जा सकते हैं मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे कार्यकाल में गुजरात में कम और इस तरीके की घटनाएं हुई तो कोई बोलेगा क्योंकि आपने अपराध दर्ज ही नहीं किए तो ये आर्ग्यूमेंट उल्टा भी जा सकता है कि आपके काल में शायद ज्यादा हुई तो आप कह सकते हैं क्योंकि हमने और ज्यादा अधिक अपराधों को दर्ज होने दिया तो मैं मानता हूं कि आंकड़ों के खेल से ऊपर आकर हमें एक व्यापक धरातल पर और दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर इस सामाजिक समता के और सामाजिक न्याय के विषय को और चर्चा में लाना पड़ेगा अगर आंकड़ों की ही बात करूं मैं मेरे पास आंकड़े भी है नॉट दैट वी डोंट हैव फिगर्स And let me share this with the members of this August House कि गुजरात में जहां तक 2014 की बात है प्रति लाख जनसंख्या के संदर्भ में अगर इस तरीके के जिसको हम गंभीर अपराध घिनौने अपराध बोलते हैं संगीन अपराध बोलते हैं किसी एक समाज के संदर्भ में तो उन अपराधों की अगर हम चर्चा करें तो एक लाख की जनसंख्या के अनुपात में अगर हम देखें तो तेलंगाना में 2.4 बिहार में 5.4 है जबकि गुजरात में ये केवल 1.5 है मगर जैसे मैंने कहा मैं आंकड़ों के उलझन में नहीं फंसना चाहता अनुसूचित जाति के खिलाफ गुजरात में कुल अपराधों की दर
Andhra Pradesh mein 48.7%, Bihar mein 47.6%, Odisha mein 31.5%, Telangana mein 31.2% hai, jabki Gujarat mein it is only 27.7%. But as I said, sir, the issue is not only of Una and Gujarat. Kyunki in ghatnaon ka ek lamba itihas hai. Hame pata hai ki isi sadan mein iski charcha hui thi, aaj se kuch 50 dashak pehle, 40 dashak pehle, जब श्रीमती इंदिरा गांधी बेलछी गई थी हाथी पर बैठकर. साढ़ूपुर में ऐसा ही हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने और यहां से लेकर साढ़ूपुर तक पदयात्रा की थी. महाराष्ट्र में खैरलांजी में हुआ था, सॉरी चार दशक के पहले महाराष्ट्र में और खैरलांजी में भी हुआ था. इसके पहले भी अनंत घटनाएं हुई है जिसमें इस तरीके के अत्याचार हुए हैं और जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, जिसकी जितनी निर्वचना करे जैसे मैंने कहा कम है. सवाल यह है कि इसकी बुनियाद में क्या है, व्हाट इज देयर एट द बेसिस ऑफ द एंटायर इश्यू, व्हाट इज द फंडामेंटल. मैं मानता हूं कि यह सवाल जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों पर है, जैसे मैंने कई सारे उदाहरण दिए. अभी अभी मैं माननीय उपसभापति जी मैं जाकर आया उड़ीसा में कंधमाल में और वहां पर पांच आदिवासियों को उनको माओवादी ठहराते हुए कोई अपराध नहीं, कोई कसूर नहीं, 13 महीने का एक बच्चा है भाई साहब जिसको मार गिराया गया, 3 महिलाएं एक पुरुष, कोई अपराध नहीं, कोई सूचना नहीं, इनका खुफिया तंत्र काम ही नहीं करता था. और अभी इतने दिन हुए, ये घटना 8 जुलाई की है, आज तक वहां के मुख्यमंत्री को वहां पर जाकर कोई पूछताछ करे इसका अवसर भी मिला नहीं, क्योंकि संवेदनाहीनता है. Let me speak. I am saying that the Chief Minister have not visited. Listen down. No, I am not yielding. Sir. Listen down. Let He's me speak. Not, please sit down. I am only saying. You speak saying when your time come. मैं जो बोल रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ. मैं जो कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ. आपको सत्य सहन करना पड़ेगा. Please sit down. You have to tolerate. He is not yielding. Please sit down. You have to tolerate. मैं जो सच कह रहा हूँ. You speak when your turn will come. Okay. What please sit down. What I am saying is that the Chief Minister have not visited. बैठ जाइए. ये तो होगा. इज इट जब आप कहते हैं कि आनंदी भाई जब उनको अपना बोलने दीजिए, जब आपकी बारी जब आए आप तो आप बोलिए. कि मुख्यमंत्री जी ने जाना चाहिए, फलाने व्यक्ति ने बोलना चाहिए, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री का यह दायित्व तो ना होता? इतना ही मेरा नहीं था, इतना ही मेरा लिमिटेड पॉइंट है. आई होप दी ऑनरेबल मेंबर विल अप्रिशिएट दिट. माई पॉइंट ओनली हियर इज अबाउट द चेंज इन द माइंड सेट. उपसभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस पूरी घटना चक्र के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण बनते हैं. एक तो सदियों से आया हुआ ये उच्च नीचता का जो भाव है, इसको जब तक हम नहीं मिटाएंगे, हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से, हमारे व्यवहार से, इसका जब तक अंत नहीं होगा, हमारे व्यवहार में ये जब तक पारदर्शी तरीके से दिखेगा नहीं, मैं मानता हूं कि इस तरीके की समस्याओं का हल नहीं निकल कर आएगा. दूसरी बात है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति दलित और महिलाएं भी मैं उसमें ले लूंगा, इन सबकी जो वल्नरेबिलिटी है, किसी भी धोखे के लिए इनका इनकी उपलब्धता एक दृष्टि से जो होती है, धोखे का सामना करने की इनकी अक्षमता जो है, ये वल्नरेबिलिटी को भी कम करना चाहिए. वे ये जितने वल्नरेबल रहेंगे, मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाओं के लिए अवसर मिलेगा. तीसरी बात है कि कानून का एक डर होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कोई डेटरेंस ही रहा नहीं. कोई कानून की इज्जत अगर नहीं करेगा, कानून का एक तरीके का खौफ पैदा नहीं होगा, तो मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाएं चलती रहेगी. और अंत में सबसे पहले जरूरी है कि एक एम्पथी हो. कल यहां पर चर्चा हुई बहन मायावती जी के बारे में, बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया गया. हम सब ने अपनी भावनाओं को और उनके भावना से अवगत कराया और उनके साथ हम है. मगर यह क्यों होता है? मैं मानता हूं कि एम्पथी नहीं है. हम उस समाज के उस व्यक्ति की जगह खुद को कल्पना के रूप में डालते हुए जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक इस पीड़ा का अनुभव इस देश का वो वर्ग नहीं कर पाएगा जिसको आप तक वंचना का कोई अनुभव ही नहीं. और इसलिए एम्पथी की जरूरत है. हमने एम्पथेटिकली इन सारे विषयों के बारे में सोचना चाहिए और उस तरीके का संस्कार हमारी शिक्षा के माध्यम से भी हमें मिलना चाहिए. माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि दलित विषय को एक दृष्टि से राजनीतिक तरीके से भुनाया जाता है, बहुत गलत बात है. मुझे बड़ा अफसोस है, मैं किसी को कटघरे में खड़े करने के लिए या आरोपों की बौछार चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं. इट इज विद ग्रेट पेन इन माय हार्ट दैट आई एम सेइंग दैट द इश्यू ऑफ सोशल इक्वालिटी इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड पॉलिटिकली.
और ये जब तक होगा नहीं, कल वहां पर दो दिन पहले मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकला अंबेडकर भवन के और गिराए जाने के बारे में, और हमारे सदस्य जी ने यहां पर उसके पहले बता दिया था कि ये पीपल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अपनी जायदाद है जिसको गिराने में और सरकार का कोई हाथ नहीं था, मगर उस पर लोगों को उकसाया गया, हजारों की संख्या में लोगों को रास्ते पर लाया गया। अगर एक कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता था तो कौन जिम्मेदार होता था? और वहां पर हमारे साम्यवादी नेता भी उपस्थित थे। मुझे याद आ गया कि जब अंबेडकर जी ने कहा था कि कम्युनिज्म इज ऑल अबाउट बेसिकली लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिकली बिलीफ इन ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज, तानाशाही और शस्त्र के आधार पर काम करना, ये डॉक्टर बाबा साहेब ने उस समय कहा था। आज हम देखते हैं कि कैसी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है और कौन किसके सहयोग के लिए और आगे दौड़ता है, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने की एक प्रवृत्ति होती है जिसकी भी मैं मानता हूं कि इस सदन ने एक मुख से निर्भत्सना करनी चाहिए। ये विषय राजनीतिक लाभ हानि के ऊपर, ये विषय सामाजिक न्याय का है। और मुझे स्मरण होता है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने इसी सदन में ये घोषणा की थी कि जो मंत्रालय अब तक एक सामाजिक कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, वेलफेयर, उपाध्यक्ष जी यू आर अवेयर दैट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज अ लिटिल कॉन्डेसेंडिंग, इसमें होता है कि कोई किसी का कल्याण करे, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट वेलफेयर, दिस इज जस्टिस, एंड देयरफॉर द डिपार्टमेंट वाज नेम्ड एट सोशल जस्टिस। और उपाध्यक्ष जी आप स्वयं उस मंत्रालय का उस समय नेतृत्व कर रहे थे, हम सबको याद है। केवल इतना ही नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया, क्योंकि सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, इन सारे विषयों के प्रति हम प्रतिबद्ध है, हमारे लिए ये राजनीति के विषय नहीं बन सकते। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका उपाय क्या है, और मुझे खुशी है कि इस उपाय को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया के तहत और जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया उसके तहत दलित एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा भाई साहब कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो कहा था, उन्होंने अपील किया था हमारे दलित समाज के सारे भाई बहनों को कि सीखो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। उसमें सीखो, सीखो में केवल किताबों में और बंदिश्त नॉलेज, ज्ञान को ग्रहण करने की बात नहीं थी, उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, नौकरी मांगने वाले मत रहो, नौकरी देने वाले बनो। डोंट बी जस्ट जॉब सीकर्स, बी जॉब गिवर्स। एंड हियर इज अ पर्सन इन द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र भाई मोदी हु इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट द मैसेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनटू रियलिटी। महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं महोदय कि इस पूरे विषय में आपने पढ़ना चाहिए। आज कल एक किताब आई है बाजार में, डिफाइंग ऑल ऑड्स, विच आर ऑल द स्टोरीज अबाउट द फर्स्ट जनरेशन दलित एंटरप्रेन्योर्स। एंड लेट मी टेल यू, द नंबर इज ग्रोइंग, द ट्राइब इज इंक्रीजिंग। देवेश कपूर, डी श्याम बाबू और चंद्रमोहन प्रसाद ने इस किताब को लिखा है, जिसमें हमारे दलित भाई बहनों ने कितनी विपदाओं का सामना करते हुए, पूरा धीरज रखते हुए, कैसी कैसी परिस्थितियों पर मात करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप का एक उदाहरण खड़ा किया। इसके अनुकरणीय उदाहरण बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस विषय को। और आज हम देखते हैं कि जो हमारा एमएसएमई मंत्रालय काम करता है, 62% दलित एंटरप्रेन्योरशिप की रजिस्ट्रेशन उनके पास है। 2001 में जब 1.5 मिलियन दलित एंटरप्रेन्योर्स थे, विगत 15 सालों में यह संख्या बढ़कर 8.7 मिलियन हो गई है। मैं मानता हूं कि इसमें इस सरकार ने जो प्रयास किए हैं और इस सरकार ने दलित एंटरप्रेन्योरशिप को जो एक चालना दी है, उत्तेजना दी है, प्रोत्साहन दिया है, उसका निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा रोल है। और ये केवल दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारी सरकार ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एक डीनोटिफाइड ट्राइब और घुमंतु जातियों के लिए भी एक आयोग बिठाया था। इन सारे जातियों तक ये फैलना चाहिए कि उनके अंदर जो एक प्रतिभा है, उनके अंदर जो एक सृजन की शक्ति है, उनके अंदर जो कर गुजारने की और एक हिम्मत है, उसको एक अवसर मिलना चाहिए। और वो अवसर मिलेगा तब ये आरक्षण के विषय से भी सामाजिक न्याय की लड़ाई और मीलों तक आगे बनी जाएगी, क्योंकि विषय आरक्षण का तो महत्वपूर्ण है ही है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, देयर कैनॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज अबाउट इट, वी वॉन्ट रिजर्वेशन। बट इफ वी ट्राई टू कन्फाइन the debate and the discourse about social justice only to reservation, I believe we are committing a grave mistake. It is much more beyond the reservation system. आरक्षण नौकरियों में तो होना चाहिए, जरूर मिलना भी चाहिए, मगर साथ ही साथ वो अपने दिल में भी तो आरक्षण होना चाहिए। अगर हमारे दिल में
इस पूरे हमारे उपेक्षित भाई बहनों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो मैं मानता हूं कि आरक्षण व्यवस्था का जो तर्क है, जो आधार है, वो अधूरा रहेगा और ये भूल हम न करें। भाई साहब, अंत में मैं केवल इस सदन के विचारार्थ और माननीय सरकार के प्रतिनिधि यहां पर है उनके विचारार्थ कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं मानता हूं जब आरक्षण की चर्चा आती है हम सब संवेदनशील हो जाते हैं, स्वाभाविक भी है, बट देयर इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर इश्यू पर्टेनिंग टू द कोटा सिस्टम, द रिजर्वेशन, कि आरक्षित सीटों को भरा जाए इसके लिए भी कुछ और अधिक कारगर कदम उठाने चाहिए। केवल सीटों को आरक्षित करने से काम नहीं होगा। वो क्यों नहीं भरी जाती? अगर न भरी जाती तो उसके लिए कोई क्षमता का अभाव है तो उसको दूर किया जा सकता है, कोई सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में अगर हमारे अनुसूचित जाति जनता जनजाति के भाई बहन सफल नहीं हो रहे उसके लिए कुछ किया जा सकता है। दूसरी बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों के लिए भी एक कारगर व्यापक सुधार की योजना की आवश्यकता है। बहुत गलत तरीके से कई बार इन छात्रावासों को चलाया जाता है। आई बिलीव देयर इज मच स्कोप टू इम्प्रोवाइज द सिचुएशन इन ऑल द होस्टेल्स वेयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी नॉर्मली लिव। मुद्रा योजना की चर्चा होती है, मैंने भी चर्चा की, मगर मुद्रा में भी मैं मानता हूं कि एक मेंटरशिप की आवश्यकता है। मुद्रा के आधार पर जो ऋण लेकर कोई अपना उद्योग खड़ा करना चाहेगा उसके पीछे किसी ने खड़ा तो रहना चाहिए। केवल लोन दिया और काम हो गया ऐसा नहीं होगा। दे रिक्वायर मेंटरशिप, किसी ने उसका हैंड होल्डिंग करना चाहिए, किसी ने उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। ये व्यवस्थाएं अगर हम हमारे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का ढांचे का आधार बना सकते हैं तो मैं मानता हूं कि ये सारे प्रश्न और निश्चित रूप में समाधान की दिशा में बढ़ पाएंगे। अंत में, वी नेवर कंसिडर द इश्यूज अबाउट वीमेन एज वीमेन इश्यूज, and let us also not consider the issues about the Dalits and the underprivileged sections as those of those particular sections only. These are the issues to be confronted by the entire society. और मैं मानता हूं कि जब तक पूरे समाज में ये धारणा नहीं बनेगी तब तक इन सवालों का और इस तरीके के प्रश्नों का जो हल, जो समाधान हम खोजना चाहते हैं, खोजा नहीं पाएगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी परछाई और हम देखते हैं कि लिटरेचर में मिलती है, थिएटर में मिलती है, सिनेमा में भी मिलती है, बिकॉज इन अ वे दे होल्ड द मिरर टू द सोसाइटी। और आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, इन दिनों मसान नाम की एक फिल्म आई है और बहुत अच्छी फिल्म है, नीरज घायवान नाम के एक बहुत युवा और निर्देशक ने बनाई है, जिसमें वाराणसी के डोम समुदाय के एक व्यक्ति की जो एस्पिरेशन है उसको दर्शाया है कि कैसे वो संघर्ष करता है और अपनी परंपरागत जो उस पर लादा गया है, थोपा गया है, उस जीवन शैली से बाहर निकलकर और कुछ नए कर गुजारने की मेहनत हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग। मैं मानता हूं कि ये ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आ रही है, इसका कारण समाज में बदल हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पोलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की थी। I believe the time has come and I am happy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi we are trying also to achieve what can be described as the democracy of aspirations. Akanksha ka janatantra ban raha hai aur samaj ke har kisi ko abhi sapna dekhne ki sapna sapne ko saakar karne ki ek himmat juti hai, ek akanksha bani hai, main manta hu aur isiliye aaj ki tarikh mein una jaisi ghatnaon ko agar hame waqai mein ek इतिहास में से मिटा देना है और अंत में आगे चलकर इस तरीके के प्रसंग नहीं आने हैं तो ये एस्पिरेशनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत दिन हम कहते रहे कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आज सवाल है कि क्या बात है कि पंछी उड़ता नहीं हमारा। और ये पंछी उड़ना चाहिए, उसके पगों में ताकत होनी चाहिए और वो ताकत पूरा समाज एकमुट एक पद्धति से एकत्रित आकर सामाजिक समता और समरसता और सामाजिक न्याय के भाव से दे सकता है। मुझे लगता है कि उना की घटना की चर्चा करते समय इन सारे और व्यापक विषयों की चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।